दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जो है आलेखी विधि या ग्राफी विधि से जो है हल करने वाले हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण आप देख सकते हैं, इसके अंदर x और y दो चर हैं और x प्लस वाई बराबर आठ ये एक समीकरण है दो चरों वाले, और x माइनस वाई बराबर चार ये जो है दूसरी समीकरण है दो चरों वाले। इसको हम आलेखी या फिर ग्राफी विधि, दोनों एक ही नाम है, आलेखी बोले या ग्राफी विधि बोले, तो इससे किस प्रकार से सोल्व करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है समीकरण एक को लेना है, समीकरण एक से, तो समीकरण एक से हमको एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम समीकरण एक को लिख देते हैं। अब इसमें से हमको एक्स का मान निकालना है, तो इसमें से एक्स बराबर करते हैं तो ये प्लस का जो वाई है वो बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये समीकरण एक से एक्स का मान आ गया है। अब यहाँ पर हमको एक ऐसी टेबल बना लेनी है, इसमें हमको दो तो x के मान निकालने हैं और दो ही मान हमको y के निकालने हैं। अब यहाँ पर जो y है ये y का मान आपको अपने हिसाब से रखना है। जैसे मैं y की जगह अगर दो रख देता हूँ, तो यहाँ पर y की जगह मैंने दो रख दिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, आठ माइनस दो यानी कि छः। तो x का मान आ गया हमारे पास छः। मतलब y का मान जो है अपनी मर्जी से आपको रखना है और x का मान इस समीकरण से आएगा। फिर मैंने वापस y बराबर जो है यहाँ पर मान लो मैंने चार रख दिए हैं, तो x बराबर क्या आएगा, तो आठ माइनस वाई की जगह मैंने चार रख दिए, आठ माइनस चार यानी कि चार, x का मान आ जाएगा हमारे पास चार। उसी प्रकार आपको समीकरण दो को सॉल्व करना है, समीकरण दो से, समीकरण दो से समीकरण दो को लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर के चार। अब इसमें से आपको जो है x का मान निकालना है, तो माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब वापस जैसे ही x का मान आया वही हम टेबल बना देंगे दो मान के लिए, तो y का मान आपको अपने हिसाब से रखना है। तो यहाँ y जैसे आ रहा है तो y का मान मैं जैसे एक रख देता हूँ, तो चार प्लस एक, यहाँ पर x का मान क्या आएगा, चार प्लस y की जगह एक यानी कि पाँच, x का मान आ गया पाँच। और मैंने y का मान अगर दो रख दिया तो x बराबर क्या आएगा, चार प्लस दो यानी कि छः, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास छः। तो ये जो है दोनों टेबल आपको बना लेनी है, दोनों समीकरणों से दो टेबल बनेगी। आपको x का मान निकालना है समीकरण से और फिर उस समीकरण में y का मान आपको अपने मन से रखना है, और x का मान जो है इस समीकरण से आएगा। ये दोनों समीकरणों से जो है x का मान आएगा, y का मान आपको अपने हिसाब से रखना है, चाहे आप जीरो एक दो तीन चार कुछ भी रख सकते हैं। अब इन जो मान हैं दोनों टेबल के वो इस ग्राफ में हम शो करेंगे। x का मान है छः और y का मान है दो, x का मान यहाँ पर छः है और y का मान यहाँ पर ऊपर दो है, यानी यहाँ पर कोई डर है। ये जो लाइन है वो x की है, ये लाइन x डैश वाली है, डैश वाली लाइन में जो है माइनस के आएंगे, ये y की लाइन है, ये y डैश की है, y डैश में माइनस की संख्या चलेगी, x डैश में भी माइनस की संख्या चलेगी, y में प्लस की संख्या है और इधर x में प्लस की संख्या है। तो हमारे पास 6 और 2 यानी x की लाइन पर हमको 6 देखना है और y की लाइन पर 2 देखना है, तो 6 और 2 कहाँ पर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे को ऐसे पॉइंट बना देना है। फिर 4 और 4, x पर भी 4 है और y पर भी 4 है, तो ये 4 एक y वाले और ये 4 x वाले, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो इस प्रकार से हमको लाइन खींच देना है। वापस दूसरी वाली टेबल को अगर देखें हम, तो x की जगह 5 है, ये रहा x की जगह 5 और y की जगह 1, ये x की जगह 5 और ये y की जगह 1, यानी y का मान ये वाला और ये x की जगह 5, ये पॉइंट आ गया। फिर x की जगह 6 है और y की जगह 2, ये x की जगह 6 ये y की जगह 2, यानी कि यहीं पर जो है हमारा टच हो रही है। तो इस प्रकार से दोनों लाइनें जो है प्रतिच्छेद करेगी, और जब दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक ही हल होता है, और उसका जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ का जो x और y का हल है वही हमारा ओरिजिनल हल होगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो x की लाइन पर हमको मिल रहा है 6 और y की जो लाइन है वहाँ पर मिल रहा है हमको 2। तो इन समीकरणों का जो मान है वो x बराबर 6 है और y बराबर 2 है। यहाँ पर x की जगह अगर हम 6 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं, तो हमको बराबर में 8 मिल जाता है। यहाँ x की जगह 6 और y की जगह 2 रखते हैं, तो 6 में से 2 घटाने पर हमको 4
4 मिल जाता है। इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से आपको जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखी हैं उनमें से आपको x का मान निकाल के y का मान आपको अपने मन से रख के दो टेबल बना के जो है फिर ग्राफ बना के आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 से जो है रिलेटेड है, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।